पिछले लंबे समय तो वक-वक सिख जथेबंदियां दे वलों बंदी सिंघां दी रिहाई दी मांग कीती जा रही है। अते अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामिक वफद समेत श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते अरदास करके 26 लाख परफॉर्मे लैके पंजाब दे गवर्नर नाल मुलाकात करन लई चंडीगढ़ पुजे। ते दस दे कि इन्हां 26 लाख फार्मा उत्ते देश भर दे लोकां ने दस्तखत कीते हुए सन ते इन्हां सब ने बंदी सिंघां दी रिहाई दा समर्थन कीता। चक्कियां दे विच लगातार बैठियां नूं 17-18 साल हो गए, उन्हां नूं कोई राहत दित्ती गई। सो इह तों इलावा साडे कोल तकरीबन सारे जिहड़े पा के 8 होर जिहड़े अपने खाड़कू कह लईए उस सफां दौरान ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ। ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। दूसरे जेड़े साडे सरदार गुरदीप सिंह जी खैड़ा, ये 32 साल हो गए, 32 साल थोड़े नहीं होंगे। प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह जी भुल्लर, 28 साल तो वाधा समा हो गया। और भाई जगतार सिंह जी हवारा, 27 साल तो वाधा समा हो गया। भाई लखविंदर सिंह जी लखा, 27 साल तो वाधा समा हो गया। भाई गुरमीत सिंह जी ये 27 साल, भाई शमशेर सिंह जी 27 साल, भाई परम सिंह परमजीत सिंह जी ਢਿਓਰਾ 25 साल, भाई जगतार सिंह जी तारा 17 साल तो वाधा समा। और ये नोटिफिकेशन मुताबक असी ऑनरेबल गवर्नर साहब नूं रिक्वेस्ट की आ, और उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर साहब नूं जिहड़ी साडी इनमेन वो असी भेजी। इस तों इलावा साडे कोल 26 लाख के लगभग सिग्नेचर मुहिम, जदों अज तो 2 साल पहला सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, सिंह साहब अकाल तख्त साहब के जथेदार, उन्हां वालों आदेश होया सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये अपनी एक मीटिंग सदे सारिया जथेबंदियों की, इन्हां बंदी सिंघां की रिहाई के लिए जतन करे। वो मैं मीटिंग भी सदी, मीटिंग के अधिकार भी देते थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਏ।